हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ट्यूटोरियल में। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं CDS 2019 का जो पेपर हुआ था 3 फरवरी को, उसके GK सेक्शन का हम देखेंगे। और ये सेट बी है, ठीक है, जिसका भी सेट बी हो वो मिला ले अपना, और दूसरे सेट वाले में भी मिला सकते हैं आप, लेकिन आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से मैच करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस जिसने अभी एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चल सके और वो अपना पेपर मैच कर सकें। चलिए आइए देखते हैं हम इस वीडियो में आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CDS के पेपर के सॉल्यूशन का। तो पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गेट्स एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। और इसमें पूछा है, बोला है द फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर VE एंड VP रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी बस आंसर बता दूंगा, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है पहले का वो होगा आपका आंसर ए है, VE इज़ ग्रेटर देन VP होगा इसका आंसर। मैंने टिक मार दिया है, आप देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन को मैं टिक मार दूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ही है, इफ़ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एट एन एंगल थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, देन तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड होता है वो मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर बी ए होगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर सी होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं की जा सकती है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल मेनली फंक्शंस एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसमें पूछा है स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके वैक्यूल्स को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तो ये इसका आंसर है डी, ठीक है, वैक्यूल्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ गिर्थ इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो स्टेम ऑफ द प्लांट के गिर्थ में इंक्रीज़ करने के लिए जो होता है वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एगेरिकस यूलोथ्रिक्स रिशिया कैल्डोफारा, तो इसका आंसर होगा यूलोथ्रिक्स है, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ बायलेटरल सिमेट्री इन इट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा बी, सी एनीमोन, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल इज़ वार्म ब्लडेड। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफ़ी लोग गलत करके आए हैं, तो मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा हैग फिश और डॉग फिश, ठीक है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कवर्ड बाई फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन सेटअप बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। तो इसका जो आपका आंसर होगा, ये जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ कार्टाजीना विच इज़ फेमस फॉर प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी इज़ लोकेटेड इन। तो इसका जो आंसर था वो था, सबको लगता है इसका आंसर कोलंबिया या वेनेजुएला होगा, लेकिन ये वेनेजुएला या कोलंबिया में नहीं है, ये गुयाना में है, ठीक है, इसका आंसर ये होगा गुयाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एज़ पर सेंसस 2011। तो इसमें जितने स्टेट दिए गए हैं ऑप्शन में उनमें से बताना है, ना कि अपने से जो भी सोच रहे हैं आप।
तो इसका जो इन ऑप्शंस में से आंसर होगा वो होगा गोवा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉट पास थ्रू। तो किससे पास नहीं करता है, तो वो कंट्री आपकी बोलीविया, बोलीविया से पास नहीं करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सरगासो सी। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका होगा जो इनकरेक्ट है वो है आपका सी, कि इट इज़ लोकेटेड वेस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड ईस्ट ऑफ कैनरी करंट। ये गलत है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चौदहवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चौदहवा क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग लिस्ट है, तो इसमें आपको मैच करना था, तो इसका आंसर मैं सीधे आपको बताता हूँ। चौदहवें का डी आपका आंसर है, ठीक है, डी आपका आंसर है। तो ए जो है डिट्रॉयट, वो बिलोंग करता है मोटर कार से। बी एंटवर्प जो है वो बिलोंग करता है आपका डायमंड कटिंग से। टोक्यो जो है वहाँ शिप बिल्डिंग होती है, और हार्बिन में मोटर कार होता है, नहीं हार्बिन में स्टील होता है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन वाराणसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा बी, रीवा जो है बस वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसका आंसर बी होगा, रीवा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हेनरी टी कोलब्रुक वाज अ प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो आंसर होगा आपका एशियाटिक सोसाइटी है, ये बाहर से आए थे एशियाटिक सोसाइटी में के थ्रू, ठीक है, इंडिया में इन्होंने संस्कृत सीखी हुई थी और ये मैथमेटिशियन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट और रिलीफ एक्ट के बारे में है, 89, ठीक है, इनेक्टेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था रिस्टोर लैंड एट द डिस्पोजेस्ड पीजेंट, टू द डिस्पोजेस्ड पीजेंट। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिन को वॉज क्रिएटेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। तो दामिन को जो था वो संथल के लिए यू हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर संथल होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19वां, कि द लिमिटेशन लॉ विच वॉज पॉज्ड बाई द ब्रिटिश इन 1859 एड्रेस्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज़। तो इसका आंसर आपका होगा डी, डी इसमें ये वजह थी उनकी, लोन बॉन्ड्स वुड हैव वैलिडिटी फॉर 10 ईयर्स, ये चाहते थे वो लोग। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज डंका शाह। तो डंका शाह किसको कहा जाता था, ये इसका आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह को कहा जाता था डंका शाह, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन था कि द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 वॉज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। तो जो एजम्पशन था वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, द तालुकदार स्वेयर द राइटफुल ओनर ऑफ द लैंड्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए हम लोग, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो ये जो रिकमेंडेशन कमीशन ने की थी वो थी मुंगेरी लाल कमीशन, तो इसका आंसर डी होगा आपका। 23rd क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रिट इज़ इशूड टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर डी होगा, सर्टियरी, ये इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर डी करेक्ट है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ आर करेक्ट। तो पहला है कि इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपका ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इट कैन बी एक्सरसाइज बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये गलत है। तीसरा, इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो थ्री सही है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका 1/3 सही है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, सॉरी ए होगा इसका आंसर आपका, ठीक है। 1 और 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 25वां। तो 25वां जो क्वेश्चन है आपका, उसमें दिया है कि व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज़ इन ऑपरेशन, द राइट टू मूव अ कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स रिमेन सस्पेंडेड एक्सेप्ट। तो कौन कौन सा आर्टिकल आपका सस्पेंड नहीं होता है, इसमें आपको ये बताना था। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा आर्टिकल 15 और 16, जो आपका है वो सस्पेंड नहीं होता है। तो इसका आंसर डी करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड द यूज़ ऑफ वेल्स टैंक्स एंड बाथिंग घाट्स मेंटेन्ड आउटसाइड ऑफ द स्टेट फंड। तो इसका जो 26 का आंसर है वो आर्टिकल 16 के तहत ये कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच हु एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है हर एक एग्ज़ाम में। ये पेरियार ने कहा था, मतलब किया था ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत। नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पॉल एलन हु डाइड इन अक्टूबर 2018 वाज द को फाउंडर ऑफ। तो पॉल एलन जो थे वो को फाउंडर थे आईबीएम के, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, आईबीएम इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो मोबाइल ऐप ई सी विजिल था आपका, इज़ हेल्पफुल इन, तो ये जो है रिमूविंग गारबेज फ्रॉम द म्यूनिसिपल एरिया, ये इसके लिए है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रहार, प्रहार क्या है। तो अगर आपका डिफेंस वाला सिस्टम ख़राब है, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप ये करेक्ट नहीं मारेंगे। तीसवें का जो आंसर होगा वो एक बैटल टैंक है प्रहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोन। तो जो साइक्लोन का मेन कैरेक्टरिस्टिक था वो इसमें ए में लिखा हुआ है, टेम्परेट साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ वेस्टर्लीज वेयरस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉलो ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड एट। तो जो 32वां का है ये आपका जकार्ता में लोकेटेड है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर वेल गवर्न्ड बाय ह्यूमिडिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बेस्ट डिफाइन ह्यूमिडिटी। तो 33rd का जो आंसर होगा आपका वो सी होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। ऑलमोस्ट माइक्रोस्पेसिक स्कोपिकली स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंडेंस्ड फ्रॉम द सस्पेंडेड इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉम्पेन्स आर द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ। शॉम्पेन जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया। आपको बताना था कौन सा इंक्लूडेड नहीं था। तो सिलवासा जो था वो आपका इंक्लूडेड नहीं था, जोरहाट, ईटानगर, कवारत्ती, ये सब इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 36।
तो 36 क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर पॉपुलेशन साइज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, तो आपको इसमें बताना था 2011 सेंसस के हिसाब से, तो इसमें जो आपका पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से था वो था आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, कोलकाता है पहले, फिर चेन्नई है, फिर मुंबई है, फिर दिल्ली है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 37 क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन क्या दिया था, टाइप ऑफ लेक्स दिया था और एग्जांपल दिया था, आपसे बोला था मैच मैच द फॉलोइंग था। तो इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट है इसका आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा सीधे, तो टेक्टोनिक जो है वो भीमताल लेक है, क्रेटर जो है वो आपका लोनर लेक है, ग्लेशियल जो है वो आपका गंगाबल लेक है, और फ्लूवियल जो है वो आपका पुरबस्थली लेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। तो ये आपको पता रहना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से करता है। ठीक है, इसका आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन गंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट विद अबाउट 115 किलोमीटर ऑफ माइनर कैनाल एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज लोकेटेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर ये गोवा में लोकेटेड है। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये स्टेटमेंट कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में है, तो इसमें इट इज़ डिजिग्नेटेड एज महारत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, तो ये गलत है सीधे सीधे। दूसरा स्टेटमेंट जो है, इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, तो ये सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड रांची में है, हाँ सही है ये। तो इसका जो आंसर है वो सी सही होगा, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ्रो एशियन सोलिडारिटी एज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी वॉज इनिशिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर है 41 का डी, ये मनमोहन सिंह द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज़ ऑपरेटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़। तो इसका आंसर है 42 का डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये सब काम देखता है। ठीक है, 43rd क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिकार्ड टू इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक मिशन इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ करेक्ट। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। 43 का आंसर जो है वो आपका सी है, इट वॉज़ नॉट गिवेन एनी नेम, इसको नाम नहीं दिया गया था। 44th क्वेश्चन जो आपका है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है आपका, इट मे कंसिडर गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, सेफ्टी पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 45th, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट करेक्ट। तो आपका जो 45th का आंसर है वो आपका डी आंसर है, जो आर्टिकल 368 है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सोशल थ्योरिस्ट हैज़ आर्गूड दैट द आइडिया ऑफ होमोजीनाइज्ड हिंदुइज्म वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द कल्चरल एरोगेंस ऑफ पोस्ट इनलाइटमेंट यूरोप। ठीक है, तो जो 46 का आपका आंसर है वो है सी। ठीक है, ये सी करेक्ट है इसका, ये उमेन ने कहा था। सब प्राइम क्राइसिस इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो सब प्राइम क्राइसिस ये आपका टर्म जो है वो रिलेटेड है डी से, ग्रोइंग सोशल इनइक्वालिटी से आपका ये रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ चेंज ब्रॉट बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एट ऑफ 1947।
तो जो 48 का आपका आंसर होगा वो सी है, सी इसमें है। द क्राउन वॉज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो आपका 49th का आंसर है वो है ए, ठीक है, द स्टेट ऑफ बिहार एंड तेलंगाना हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसमें आपको नॉट करेक्ट बताना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द पंचायत एज लेड डाउन इन पार्ट 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 50 का जो आंसर है आपका वो है सी, कि अनलेस डिजॉल्व अर्लियर एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन था, तो ये चीज़ एकदम गलत है। तो द लॉ एस्टेब्लिशिंग द ट्रिब्यूनल में प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ एविडेंसेस टू बी फॉलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका था वो, अ मार्केट सिचुएशन व्हेन मेनी फर्म सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज़ टर्म्ड एज। सभी जब सेम करते हैं तो इस उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन इन इंडिया कंटिन्यूड टू बी मॉडरेट ड्यूरिंग 2017 और 18। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देर वॉज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द फ्लड इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली पल्सेज एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस पोस्टुलेट दैट इंडिविजुअल कंजम्पशन इन एनी पीरियड डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ हिज कैपिटल एंड एज ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा डी, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के हिसाब से ऐसा होता है। ठीक है, 55th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड कीन्स एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करती है मेनली, तो वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन ऑफ टैक्सेशन वॉज नॉट एडवोकेटेड बाई एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने जो कहा था, आपका 56 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। उन्होंने ये परिभाषा दी थी, मतलब ये नहीं दी थी, सॉरी। नेक्स्ट है, विच अरब साइंटिस्ट कुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ क्रिस्टनिंग द मैथमेटिकल डिसिप्लिन ऑफ एल्गोरिदम। तो जो 57th का आंसर है आपका वो है अल ख्वारिज्मी, इन्होंने दिया था, ए आंसर होगा इसका। ठीक है, 58 का जो आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द कैंसस नेबस्का एक्ट ऑफ 1854। तो आपका ये जो है 58 का आंसर जो है आपका बी है, द एक्ट डिड नॉट परमिट द टेरिटरीज द राइट टू वोट ओवर द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, 59th क्वेश्चन जो आपका है वो है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू वॉज इंक्लूडेड इन द इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट ऑफ 2007। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो है बी, इंडिया डिड नॉट हैव द राइट टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ईदर सप्लायर कंट्रीज। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है अब ये आपका इस वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये कौन सा करेक्ट है इसमें और कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। जो 60 है इसमें, ही फेवर्ड द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। हाँ, ये सही है पहला वाला। दूसरा, ही फेल्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड टू ड्रॉ लाइन बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, ये भी सही है। दूसरा जो है, ही बिलीव्ड इन द डोमिनेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन द जुडिशरी, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, ही फेवर्ड अ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस, तो हाँ ये सही है। तो
तो इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा, ठीक है, 1 to 4। तो ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।